तो अजमेर शरीफ दरगाह से मैं वापस रिटर्न अब आ गया हूँ फिर से उसी हाईवे पर, और थोड़ा आगे जा कर के अब मैं देखता हूँ हाईवे पर कुछ आज रात कैंपिंग करने का अरेंजमेंट, कोई ढाबा मिल जाता है या फिर कोई भी कुछ भी मिल जाए जहाँ पर मैं आज रात सो सकूँ, तो उसी के लिए मैं आगे की तरफ चल रहा हूँ। और अच्छा लगा अंदर जा कर के, स्टेशन भी वहाँ से पास था, सामने था, जस्ट स्टेशन के पास ही है, पर अपने को हाईवे पर फिर से आना था तो मैं जल्दी से आ गया हूँ क्योंकि शाम हो चुकी है, हुई नहीं है, होने वाली है शाम, तो अपने को जल्दी से ढूंढना पड़ेगा आज कुछ रुकने का अरेंजमेंट, देन फिर देखते हैं क्या करना है। तो अभी चलता हूँ मैं हाईवे पर, पता नहीं ये हाईवे ऊपर से ये फ्लाईओवर गया हुआ है, अभी मुझे नहीं पता चल रहा है कि आगे से है कि मैप में दिखा रहा है कि अंदर से घूम के ज़्यादा लंबा है, और अंकल बता रहे हैं कि आगे गया हुआ है, अब वो चलने के बाद ही पता चलेगा कि गया है या नहीं गया है, तो पहले चलता हूँ फिर देखते हैं। तो ढाबा तो अभी पता नहीं कितनी दूर है, मुझे हिच हाइकिंग करनी पड़ेगी अगर मुझे ढाबा ढूंढना है आगे जाना है। मैं सोच रहा हूँ जस्ट मेरे पीछे ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ पर मैं बात करता हूँ, अगर यहाँ पर आज रात दे देते हैं कैंपिंग करने के लिए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ मुझे आगे जाना पड़ेगा, और मैं अब जाना नहीं चाह रहा, मैं सोच रहा हूँ यहीं हो जाए तो बहुत अच्छा है, वरना क्योंकि आगे काफ़ी दूर बाद ढाबा पड़ेगा, पेट्रोल स्टेशन तो पड़ रहा है पर ढाबा काफ़ी आगे, तो देखता हूँ अगर यहाँ हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आगे हाईवे रहेगा मॉर्निंग में उठ करके मैं आगे के लिए निकल लूँगा, तो इसीलिए भैया देख रहे थे तो मैं इसीलिए सोच रहा था कि अगर यहाँ हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, तो देखता हूँ बात करके एक बार ट्राई करता हूँ करूँ ना करूँ यार, कहीं कुछ कहने ना लगे, एक बार ट्राई करके देख लेता हूँ ट्राई करने में क्या जाता है, अगर मान जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, सेफ भी रहेगा आराम से यहीं पे आज रात दुख सकते हैं, देखता हूँ पहले नहीं होता है तो फिर सेकंड ऑप्शन है अपने पास हाईवे निकल लेंगे आगे के लिए, तो देखता हूँ पहले मैं डर अजीब सा लग रहा है यार कहीं कुछ कहने ना लगे, यही है ये आपका जिला अजमेर थाना आदर्श नगर, तो अभी मैं देखता हूँ यहाँ पर होता है पॉसिबल या नहीं। तो मैंने थाने में बात करी तो मेन इंचार्ज, थाना इंचार्ज जो हैं वो नहीं थे, सिपाही और कांस्टेबल थे, तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है रुकवा सकते हैं, पर यहाँ पर परमिशन नहीं है थाने में ऐसे रुकवाने की, इसलिए नहीं हो सकता, बाकी और कोई हेल्प हो तो बोलो मैं कर दूँ, नहीं और कोई हेल्प नहीं है मुझे बस रुकना था, तो फिर मैंने पूछा उनसे आगे कोई ढाबा है या नहीं, बोले थे हाँ आगे ढाबा है, और खाना वाना क्या कहाँ खाना है, मैंने वहीं खा लूँगा, तो ठीक है आगे ढाबा है कोई टेंशन नहीं, वहाँ आप टेंट भी लगा सकते हो और चारपाई है तो चारपाई पे सो जाना ये तो मुझे पता था कि ढाबा है होगा आगे कोई ना कोई, पर मैंने सोचा यहाँ हो जाता तो बहुत अच्छा, कोई बात नहीं फर्स्ट टाइम ट्राई किया मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई पुलिस वालों से भी, तो मुझे लगा कुछ बोलेंगे पर बोला नहीं उन्होंने ऐसा कुछ, तो कोई दिक्कत नहीं हुई, अब मैं चल रहा हूँ आगे के लिए ढाबे ढाबा डुब्बू ढूंढता हूँ जल्दी से फिर वहीं रुकता हूँ, यार गर्मी लग रही बहुत तेज़, हेडेक होने लगा आज, फिर धूप क्योंकि हेड पे लगती ना तो हेडेक हो रहा है, अब अच्छी सी कैब एक ले लेता हूँ, ये कैब सही नहीं है मज़ा नहीं आ रहा इसमें, जल्दी से चलता हूँ आगे फिर थोड़ा सा आगे चल करके देखता हूँ, नहीं होता है फिर ही चेकिंग करके चलूँगा, जहाँ पर ढाबा होगा वहीं पर रुक करके अपना सो जाएंगे आज वहीं पर, देन मॉर्निंग उठ करके निकलेंगे। तो देखिए ये पहाड़ी टाइप के हैं टीले, और उस तरफ भी पूरे ही अजमेर, मतलब अजमेर के साइड में पूरे ऐसे ही पहाड़ी एरिया है, मुझे लगा था सिर्फ राजस्थान में रेगिस्तान ही रेगिस्तान होगा, पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको ऐसे पहाड़ मिल रहे हैं, मिल जाएंगे तो मुझे भी मिले यार, मुझे यकीन नहीं था, मुझे लगा मिट्टी के होंगे कुछ रेगिस्तान या टीले टाइप के, पर नहीं ये पहाड़ जैसे पत्थर होता है, पत्थर के हैं जैसे उत्तराखंड साइड और हिमाचल साइड हैं और नॉर्थ ईस्ट साइड सेम वैसे ही है यार, यहाँ भी है, मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी कि यहाँ पर होगा, बट यहाँ पर हुआ, मुझे पहले जानती क्या लग रहा था जब मैं एंटर हुआ था, मुझे लगा ये पाकिस्तान साइड पे है, इंडिया राजस्थान में तो है नहीं, पाकिस्तान साइड होगा, पर ये राजस्थान में ही है, ये देखिए पूरा अजमेर के पास ज़्यादा ही है, अजमेर के साइड में काफ़ी ज़्यादा है ये पहाड़,
बाकी जगह नहीं है। तो ठीक है, मैं चलता हूँ आगे और फिर देखते हैं क्या होता है, फिर आपको भी बताएंगे। चलते हैं, चलता हूँ। अभी कोई लिफ्ट नहीं मिल रही है, मैं ट्राई कर रहा हूँ, मिल जाए तो बहुत अच्छा है। कोई रोक नहीं रहा है इस टाइम, और धूप बहुत तेज़ है तो धूप मेरे भी लग रही है गर्मी, और कैमरा भी बहुत हीट कर रहा है, पता नहीं क्यों, हो सकता है हाँ इस धूप की वजह से और ज़्यादा हीट कर रहा है। मैं रखे हुआ हूँ अंदर, फिर भी हीट कर रहा है उसकी वजह से, मतलब इतनी धूप है, टेम्परेचर बहुत डाउन है। अंकल ने उठा है स्कूटी से, देखता हूँ थोड़ी दूर तक ही इनके साथ निकल चलते हैं। कहाँ तक जा रहे हैं अंकल? कहाँ जाना है मेरे को? तो जाना है आगे ढाबा डूबा कोई हो वहाँ तक ही। आप कहाँ तक जा रहे हो? ब्यावर। तो सर अपनी ब्यावर तक ही जा रहे हैं, मैं देखता हूँ कहाँ तक ही जाता हूँ। चलते हैं, चलिए साथ। सर आपका नाम क्या है? तो अब मैं उतर गया हूँ, अंकल जी अभी जा रहे थे ब्यावर साइड। तो मैं ब्यावर अभी यहाँ से दूर है, 40-40 किलोमीटर है, पर मुझे आज नहीं जाना था ब्यावर, तो यहीं पर रास्ते में ढाबा दिखा तो मैं, पंजाबी ढाबा है, जैलधार पंजाबी ढाबा नाम है, और यहीं पर मैं आज रुकूँगा। देखता हूँ, पहले बात करता हूँ इनसे, परमिशन देते हैं कैंपिंग की तो बहुत अच्छी बात है, तो यहीं पर रुक जाऊँगा, अगर नहीं मिलती है फिर देखता हूँ, पहले पूछ लेता हूँ, क्योंकि मैं अगर वाला सिस्टम आपने करना चाह रहा, क्योंकि टाइम हो गया भाई, शाम हो चुकी है, अब मैं ना इधर का रह गया हूँ ना उधर का, रात हो जाएगी, इसलिए जल्दी से मैं पूछता हूँ इनसे, फिर देखता हूँ क्या रिस्पांस मिलता है। मिल जाए, मैं तो सोच रहा हूँ यार बहुत तेज प्यास भी लगी है, गर्मी भी लग रही है, तो आज यहीं पर स्टे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और सामने की तरफ पहाड़ी पहाड़ है, लोकेशन भी काफ़ी अच्छी है, पीछे साइड भी पहाड़ की चोटियाँ जैसी हैं जैसे एवरेस्ट पे थी वैसे ही, और सामने की तरफ भी हैं और हाईवे भी है, तो आज अगर यहाँ स्टे मिल जाता तो बहुत ही अच्छी बात है। पहले पता करते हैं इनसे, सर से, कि देते हैं स्टे या नहीं देते हैं। तो अभी मैं जैलधार पंजाबी ढाबा पे मैं आया था और भैया जी से बात करी, तो भैया जी ने परमिशन दे दिए कि हाँ लगा सकते हो टेंट। तो ये हमारे भैया जी हैं। ये आपका नाम? हेलो गुरबख सिंह। थैंक यू सो मच यहाँ पे आज स्टे कराने के लिए मुझे। आप यहीं पर राजस्थान से? हाँ, मैं वैसे लुधियाना से हूँ। लुधियाना? मैं लुधियाना से आ रहा हूँ। तो भैया जी अपने लुधियाना से हैं और वैसे इनका बिजनेस यहाँ पर है, तो ठीक है मैं रेस्ट करता हूँ बाद में थोड़ी देर में। तो आज फिर मैंने वहीं अजमेर में केले लिए थे, तो केले क्योंकि खाने चाहिए, एनर्जी उससे अच्छी मिलती है, प्रोटीन मिलता है, तो मैंने केले ले लिए थे। आज कुछ ज़्यादा केले मिले क्योंकि छोटे छोटे थे, तो वहाँ पे मैंने कुछ खाए थे, फिर क्योंकि केले ज़्यादा नहीं खा पाता मैं, पेट जल्दी भर जाता है, तो फिर मैंने रख लिया था, अब यहाँ पर खा लेता हूँ और थोड़ा सा एनर्जी लेते हैं, भूख लग रही है थोड़ा थोड़ा, और मज़ा आ रहा है। आज का स्टे अपना इसी ढाबे पर है, और देखूँगा अगर चारपाई पे सो जाऊँगा तो चारपाई पे, अदरवाइज भैया बोल रहे थे पीछे टेंट लगा लेना पेड़ के पास, आराम से ठंडी ठंडी हवा आएगी, तो वो शाम को देखेंगे यहाँ सोना है या वहाँ सोना है, जहाँ भी सोना है आपको तो दिख ही जाएगा। मज़े से देखिए, मज़े करिए, मुझे भी मज़ा लग रहा है, और सामने की तरफ बहुत ही प्यारा व्यू है, और गर्मी थोड़ा सा पंखा चल रहा है पर गर्म गर्म सी हवा आ रही है, तो कोई बात नहीं, गर्म हवा भी सही, छाँव होनी चाहिए, हवा से कोई मतलब नहीं। तो ठीक है मैं खाता हूँ केले, मैं मिलता हूँ केले खाने के बाद। खाना हो तो आप भी आ सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, मैं एक्स्ट्रा मेरे पास है। ओके। अरे यहाँ बाहर की साइड में आया है, बाहर बहुत ही अच्छी हवा चल रही है, मतलब कि ठंडी ठंडी सी हवा, अंदर पंखे की हवा थोड़ी गर्म है, और यहाँ की काफ़ी ठंडी है। और मैंने देखा भैया जी लोग बाहर के साइड खाट बना रहे हैं, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, क्या हेलो बोल दिए।
तो ये देखिए हमारे भैया जी खाट बना रहे हैं, और एक दूसरे भैया है और वाले भैया भी हेल्प कर रहे हैं, तो तीन भैया लोग मिल करके। कितनी देर में बन जाती भैया खाट? खाट ये आधा घंटे में एक कम्प्लीट। अच्छा, तो आधे घंटे में एक खाट भैया कम्प्लीट कर देते हैं तो मतलब दिन भर में 40-50-100 तक ही तो उड़ा देते हैं। अभी मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाला हूँ कि गर्मी की वजह से इंसान ही नहीं जानवर भी परेशान है। ये देखिए ये यहाँ की पेट है, पालतू है, बेचारी सो रही है इसकी। मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी है कि वो पैर ऊपर और अपना बैक साइड नीचे करके ऊपर की तरफ सो रही है। बहुत ज़्यादा उसको गर्मी लग रही है, और गर्मी है भी इधर, इधर तो कम है, जोधपुर साइड जाऊँगा उधर तो बहुत ज़्यादा होगी। तो अपने को कल देखते हैं कहाँ निकलना है, आज तो यहीं पे रेस्ट होगा। काफ़ी सारे ट्रक्स खड़े हुए हैं यहाँ पर, अच्छा लगता है, मतलब ट्रक्स वगैरह खड़े रहते हैं, लोग आते जाते रहते हैं, नए नए लोग, नए लोगों से बात होती है, सब कुछ होता है, मतलब अच्छा लगता है यार। हाईवे पर ढाबे होटल्स पर, बट सिटी में भाई बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। वहाँ पर लोग अपने में ही बिजी हैं, ना कोई बात करने वाला ना कुछ। हाईवे पर अच्छा लगता है, भले ही ज़्यादा लोग नहीं होते यहाँ पर आपको अच्छे लोग भी मिलते हैं, अच्छे लोग सिटी में भी मिलते हैं, पर यहाँ पर मतलब सुकून सा मिलता है एक तरीके का। बहुत ही प्यारा व्यू भी है, मज़ा आ रहा है। अभी थोड़ा मैं जाऊँगा उस तरफ घूमने के लिए, ये पहाड़ी एरिया जो है वहाँ पर जाऊँगा, आपको भी दिखाऊँगा। वो पीछे साइड जो चोटी दिख रही है उधर साइड मैं जाऊँगा, आपको भी घुमाता हूँ। आज यहाँ पर हूँ तो अच्छे से घूम लेते हैं, आपको भी घुमाते हैं। और सामने से बिल्कुल रोशनी पड़ रही, बहुत अच्छा वीडियो आ रहा है। वो देखिए सूरज सनसेट हो रहा है अभी। तो अभी मैं उस तरफ पहाड़ी एरिया में जाने के लिए इस तरफ आया हूँ उस रोड से, और मैंने अभी देखा वहाँ से लग रहा था कि जा सकता हूँ पर नहीं जा सकता, क्योंकि सामने ये देखिए ये जो लोग अपने खेतों में साइड साइड में बाउंड्री टाइप की बनाते हैं, वो वैसे ही यहाँ भी लोगों ने बना रखा है। ये देखिए दिख रहा होगा आपको, वायर्स लगे हुए हैं पूरा नेट टाइप के, इनको मैं क्रॉस करके भी नहीं जा सकता। इधर लगे हुए हैं, देन इसके बाद भी पीछे साइड भी लगे हुए हैं, तो कोई भी चांस नहीं है वहाँ तक ही जाने का, और यहीं से नज़ारे का मज़े लेने पड़ेंगे मुझे, आगे मैं नहीं जा पाऊँगा। और ये हाईवे मतलब बहुत ही अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ से जा रही हैं, और उसी हाईवे से गुजरात मुंबई हर जगह एंटर करती हैं। इस हाईवे से भी और भी दूसरे हाईवे हैं, बट इस हाईवे से भी एंटर होती हैं। तो अपने को अगर जाना होगा कहीं तो इस हाईवे से जा सकता है। और मुंबई यहाँ से बसता है सिर्फ 868 किलोमीटर सिर्फ यहाँ से मुंबई, तो ये तकरीबन मैं अगर डायरेक्टली मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं इसको दो या तीन दिन में मैं मुंबई पहुँच सकता हूँ। अगर डायरेक्ट लिफ्ट नहीं मिली तो तब भी मैं 2 से 3 दिन में कंटिन्यू करके मैं पहुँच सकता हूँ आराम से, कोई टेंशन नहीं है। पर मुंबई भी नहीं जाना है अभी, तो राजस्थान ही मज़े लेने हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मुझे इस तरीके का नज़ारा है, ब्यूटीफुल सा, सामने पहाड़ी है। मेरा बहुत मन था उधर जाने का, पहाड़ी पे चढ़ने का, पर इधर से तो पर पीछे साइड से तो वो लग रहा था कि सामने ही है, पास पर बहुत दूर है, प्लस ये नेट लगे जो ये बॉर्डर जो बना हुआ है ये बहुत बेकार है यार, सारा प्लान फेल हो गया, मैं आगे नहीं जा पाया। कोई बात नहीं, अब मैं थोड़ा सा इधर आ गया था, ढाबा अपना उस तरफ है, अब मैं फिर से उधर चलता हूँ। लाइट भी चली गई है यार उधर, तो अब फिर से वहीं चलते हैं, बैठते हैं, पानी वानी पीते हैं और रेस्ट करते हैं। क्या कर सकता हूँ, नहीं जा पा रहा हूँ उधर। बहुत ही अच्छा है, देखिए सामने से हाईवे आया हुआ है पूरा, और शायद मुंबई लिखा भी हुआ है, 847 शायद लिखा है, हाँ मुंबई 847 किलोमीटर से। इधर सामने इधर गया हुआ है आपका जयपुर, आगरा सब इधर ही है, और इधर आपका मुंबई, गुजरात, जोधपुर सब इस तरफ है। तो ठीक है, अब जाता हूँ वहाँ और देखता हूँ कि टेंट लगाना पड़ेगा मुझे या फिर मैं चारपाई पे सो सकता हूँ। चारपाई पे भी वैसे ठीक है, टेंट क्या लगाना देखूँगा, अगर भैया से पूछूँगा, अगर वो बोल देंगे कि चारपाई पे सो जाओ तो कोई टेंशन नहीं, चारपाई पे सो जाएंगे, अदरवाइज़ पीछे साइड टेंट लगा लेंगे अपने, कोई दिक्कत नहीं। वैसे मैं सोच रहा हूँ टेंट लगा लूँ, तो आज सोच रहा हूँ कि कुछ मैगी वैगी बना करके खाता हूँ, काफ़ी टाइम से नहीं बनाया, तो वही आज खाएंगे, देखते हैं पहले क्या सिचुएशन होती है, वो बाद की बात है।
तो अभी मैं अपने टेंट में आ चुका हूँ। ये देखिए अपना टेंट लग चुका है। ढाबे के पीछे साइड जगह थी, वहीं लगा लिया टेंट। और आज मैं सोच रहा था, बहुत दिन से मैगी नहीं खाई, तो मैगी एंड सूप बना करके पीते हैं, सूप और खाते हैं मैगी। तो ये देखिए अपना सूप रेडी हो रहा है आज अपने छोटे से गैस सिलेंडर में। और ये रही अपनी मैगी, तो मैगी सूप रेडी हो जाए देन फिर मैगी भी बनेगी। और मैंने गलती कर दी, टेंट के अंदर मैं बना रहा हूँ तो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, पर मैगी मैं बाहर ही बनाऊँगा क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा हीट हीट सा हो रहा है। बाकी ठंडा मौसम है बट ये गैस जल रही है ना, तो इस वजह से। और अपने पास सामान सब ऐसे बिखरा पड़ा है, केले भी हैं अपने पास बनाना, तो वो तो मैगी वैगी खाएँगे अगर भूख लगेगी तो वो भी खा लेंगे। और बाकी ठीक है, बनाता हूँ मैं, फिर बनने के बाद आपको मिलते हैं, दिखाते हैं कैसी मैगी बनी है आज। ओके, तो अपनी मैगी रेडी हो रही है और थोड़ी देर में भी रेडी हो जाएगी। सूप तो रेडी हो चुका है, मैगी रेडी हो जाए फिर मैगी भी खाते हैं। अभी तो थोड़ी सी बची है, थोड़ी सी और पक जाए। तो ये रहा अपना टेंट, ऊपर का कवर नहीं है क्योंकि बारिश अभी नहीं है, गर्मी है इस वजह से ऊपर का कवर नहीं है रखा हुआ। ठीक है, अब खाता हूँ मैगी। वैगी बन चुकी है और सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय, जय हिंद, जय भारत।